हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं म्यूचुअल फंड के बारे में। अगर आप म्यूचुअल फंड में पैसे को इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि आखिर म्यूचुअल फंड में हमें पैसे को निवेश करना क्यों चाहिए, क्यों नहीं चाहिए, इन्वेस्ट करते समय आखिर हमें कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए, इसी के साथ में लॉस कब हो सकता है और इसी के साथ में प्रॉफिट किस तरीके से होता है, म्यूचुअल फंड में पैसे को अपना इन्वेस्ट करते हैं तब आपको कितनी फीस लगती है, विड्रॉल करते हैं तब आपको कितनी फीस लगती है, और इसी के साथ में अगर आप शॉर्ट टाइम के लिए पैसे को इसमें निवेश कर रहे हैं एक साल से कम समय के लिए तो वो आ जाता है शॉर्ट टाइम में, ठीक है, तब आपको वहाँ पर कितने चार्जेस लगते हैं, और इसी के साथ में एक साल से बाद या फिर एक साल के लिए आपको कितने चार्जेस पे करने होते हैं, तो सारी बातें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि आखिर म्यूचुअल फंड है क्या। म्यूचुअल फंड एक अलग अलग कंपनियों की, जैसे कि प्राइवेट बैंक हैं, सरकारी बैंक हैं, तो उनकी एक स्कीम होती है म्यूचुअल फंड। अब किसी भी बैंक का म्यूचुअल फंड होता है तो वो फंड उसका एक मैनेजर होता है, ठीक है, तो वो फंड के लिए पूरा मैनेज करता है। मैनेज किस तरीके से करता है, जैसे कि काफ़ी सारी कंपनियां हैं, उनके कंपनियों के शेयर खरीदना और बेचना, और जैसे कि सोना, और इसी के साथ में कई सारी जगह ऐसी होती हैं जो कि म्यूचुअल फंड मैनेजर है वो इस चीज़ पे नज़र रखता है कि आखिर कौन सी कंपनी के जो प्राइस हैं वो बढ़ने वाले हैं और कौन सी कंपनी के घटने वाले हैं, तो उसे कब पैसे को उसमें निवेश करना चाहिए और कब पैसे को निकालना चाहिए। तो आपको ये काम करना नहीं आता है तब तो आपको म्यूचुअल फंड में पैसे को निवेश करना चाहिए। तो जैसे कि हम रिलायंस के मान लेते हैं शेयर, जो कि उसके जो प्राइस हैं वो कम भी होते हैं और बढ़ते भी हैं, ठीक है, पर हमें ये पता नहीं चल पाता है कि आखिर उस कंपनी के जो प्राइस हैं वो अब घटेंगे या फिर बढ़ेंगे, ठीक है, तो हमें इस चीज़ के बारे में पता नहीं होता है। पर जो म्यूचुअल फंड मैनेजर होता है वो इस चीज़ में एक्सपर्ट होते हैं, वो इस चीज़ की पढ़ाई किए हुए होते हैं, ठीक है, तो इसी वजह से वो इस चीज़ को यहाँ पर मैनेज करते हैं। तो ये म्यूचुअल फंड है। अब म्यूचुअल फंड मैनेजर है वो इस चीज़ को यहाँ पर मैनेज करता है जो आप पैसा देते हैं। कहने का मतलब है जो भी आप पैसा दे रहे हैं वो तो आप म्यूचुअल फंड मैनेजर को दे रहे हैं, ठीक है, आप उससे कह रहे हैं कि आप इस पैसे को इन्वेस्ट कीजिएगा और हमने ये पैसा आपके हाथ में दे दिया इतने समय के लिए, ठीक है, वो आपके पैसे को रख नहीं सकता है, वो सिर्फ निवेश ही करेगा इधर उधर, ठीक है। और इसी के साथ में अब यहाँ पर लॉस किस तरीके से हो सकता है, सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं। लॉस तब होता है शेयर बाजार में जब शेयर मार्केट है, यानी कि शेयर बाजार है, वो क्रैश हो जाता है। अब क्रैश किस तरीके से होता है, जैसे कि पूरा भारत लॉकडाउन हो जाए, जैसे कि कोविड-19 लगी थी तो उस समय ऐसा था कि एक व्यक्ति दूसरी जगह जा नहीं सकता था, ठीक है, यानी कि लॉकडाउन लगा हुआ था पूरी तरीके से, ना तो कोई कंपनी चल रही थी, ना तो कोई कारखाना चल रहा था, तो ऐसे में यह था कि इस तरीके से जो शेयर बाजार थी, यानी कि कोई भी कंपनी नहीं चलेगी तो उसके जो प्राइस हैं शेयर वो उसके डाउन होंगे, ठीक है, तो ऐसे में था कि जो शेयर बाजार है वो यहाँ पर शेयर बाजार वो क्रैश हो जाता था, ठीक है, तो ऐसे में आपको यहाँ पर लॉस हो सकता है, ठीक है। अब ये ऐसा हमेशा नहीं हो रहा है, ठीक है, कभी हो गया तो हो गया, ठीक है, पर इस म्यूचुअल फंड में आपको लॉस होने के जो चांसेस हैं वो कम है, ठीक है, जैसे कि अगर आप उसमें म्यूचुअल फंड में पैसों को निवेश करेंगे तो वो फंड मैनेजर है वो अपनी 1% के हिसाब से पैसे काट लेगा, जैसे कि मैंने 3.5 लाख रुपये वहाँ पर जमा किए तो मुझसे यहाँ पर 3500 रुपये काटे गए थे, ठीक है, तो यहाँ पर ये कोई ज़्यादा बड़ी अमाउंट नहीं है जो आपके पैसों की देखभाल कर रहा है, आपके पैसे को लगा रहा है हर जगह और आपको वहाँ पर प्रॉफिट करके दे रहा है, ठीक है, तो ये कोई ज़्यादा बड़ी अमाउंट नहीं है, ठीक है। तो आप अगर आपको शेयर बाज़ार के बारे में जानकारी नहीं है, किसी भी कंपनी के शेयर खरीदना चाह रहे हैं तो आपको बता दूं, अगर आपको नॉलेज नहीं है कि शेयर की जो वैल्यू है वो कब घटेगी कब बढ़ेगी, ठीक है, और ये किसी को पता नहीं होता है कब घट जाए और कब बढ़ जाए, ठीक है, तो अगर आप उसमें लॉस ज़्यादा है होने के चांसेस शेयर किसी कंपनी के ख़रीदना, तो ऐसा करें कि आप म्यूचुअल फंड में पैसे को निवेश कर दें। जो फंड मैनेजर होता है वो क्या करता है कि आपके पैसे को कम, अगर आपने 1 लाख रुपए यहाँ पर निवेश किया तो कम से कम वो 20 कंपनियों में पैसे को निवेश करेगा 5-5 हज़ार, ठीक है, और उसकी नज़र में वो कंपनियाँ होती हैं कि आखिर ये कंपनी ग्रोथ करने वाली है, और ऐसे एग्जाम्पल के तौर पर वो पैसा, यानी कि कंपनियां, उसमें से कुछ कंपनियां यहाँ पर डूबे भी देती हैं तब भी वो आपको यहाँ पर प्रॉफिट करा के दिखा देंगी, क्योंकि वो इस चीज़ में एक्सपर्ट हैं, ठीक है।
अब वो किस तरीके से पैसे को लगाते हैं म्यूचुअल फंड मैनेजर, ठीक है। जैसे कि हमने 1,00,000 रुपये जमा किया और उन्होंने 20 कंपनियों में लगा दिया, ठीक है। जैसे कि 20 में ही नहीं मान लेते हैं, हम 10 में ही मान लेते हैं, ठीक है। 10 कंपनियों में उन्होंने पैसों को लगा दिया और ऐसे में 4 कंपनियां हैं वो लॉस कर जाती हैं, ठीक है। 4 कंपनियां लॉस कर जाती हैं, बची 6 कंपनियां। 6 कंपनियां में से अगर 4 कंपनियां जो लॉस कर गई हैं तो 4 उसमें से रिपेयर कर देंगी उस लॉस को तुम्हारे। बची 2 कंपनियां, तो 2 कंपनियों से जो भी प्रॉफिट होगा वो आपको वहां पर देखने को मिल जाएगा। तो इस तरीके से तो कुछ म्यूचुअल फंड हैं मैनेजर वो काम करते हैं। इसके बाद बात आ जाती है कि आखिर क्या हमें म्यूचुअल फंड में पैसे को निवेश करना चाहिए कि नहीं चाहिए। देखो, म्यूचुअल फंड में जो रिस्क है, जो आपका पैसा डूबने के चांसेस हैं, वो एकदम समझो ना के बराबर हैं, ठीक है। पर अगर आप खुद से किसी भी कंपनी के शेयर खरीद रहे हैं तो उसमें जो रिस्क है वो ज़्यादा है, ठीक है। तो आप उसमें पैसे डुबाएंगे ही, क्योंकि मैं भी कई बार यहाँ पर ट्राई कर चुका हूँ, ठीक है, क्योंकि उसमें प्रॉफिट मुझे कमी देखने को मिला है, ठीक है। हालांकि मुझे बताना पड़ता था वीडियो को बनाते समय कि इस तरीके से पैसों को निवेश किया जाता है, पर मैं किसी को भी राय नहीं दूंगा कि आप शेयर बाजार में जाइएगा। अगर आपको काफ़ी अच्छी खासी नॉलेज है तभी आप जाएं, और उसमें 10-20 हज़ार से या फिर 10-20 लाख से कुछ भी होने वाला नहीं है, ठीक है। उसमें तो सीधे करोड़ों का हिसाब किताब चलता है, और तभी आप उसमें प्रॉफिट ले सकते हैं अच्छा खासा, ठीक है। और वो भी आपके पैसे जाने के चांसेस भी ज़्यादा हो जाते हैं। अगर आप म्यूचुअल फंड में पैसों को लगाते हैं तो आपको इसमें रिटर्न भी अच्छा देखने को मिलता है। जैसे कि आपने FD का नाम तो सुना ही होगा, और आज के दौर में पैसे अगर कोई भी बैंक में रख रहा है तो वो डायरेक्ट FD करा रहा है, ठीक है। तो अगर आप FD करा रहे हैं तो FD से अच्छा है म्यूचुअल फंड, ठीक है। FD से आपको हमेशा बढ़कर ही रिटर्न मिलने वाला है, ठीक है। तो जब भी अगर आप पैसे को निवेश करना चाह रहे हैं और आप 1 साल से अधिक समय के लिए करना चाह रहे हैं, तब आप म्यूचुअल फंड में पैसे को निवेश करें, ठीक है। अब अगर 1 साल से हम पहले पैसे निकाल लेते हैं तो हमें 15% का टैक्स लगेगा, और इसी के साथ में यानी कि जब भी हम पैसे को विड्रॉल करेंगे तो हमें 15% 1 लाख पर, यानी कि 1 लाख पर 15,000 हमें सरकार को देना पड़ेगा उसमें से, ठीक है। और 1 साल के बाद हम पैसे को निकालते हैं तब हमें 10% देना पड़ेगा सरकार के लिए। तो ये तो आपको देना ही देना है। आप समझ लीजिएगा कि आप 1 साल से पहले निकालते हैं या 1 साल के बाद। तो ये तो आपको मैंने क्लियर कर दी। इसी के साथ में अब 1 साल से पहले निकालते हैं तो वो आपका पैसा आ जाता है यानी कि लॉन्ग टर्म की जगह शॉर्ट टर्म में आ जाता है। यानी कि अगर आप 1 साल से पहले पैसा निकालते हैं तो वो शॉर्ट टर्म में आ जाता है। शॉर्ट टर्म में आपको 15% तो गवर्नमेंट को टैक्स पे करना पड़ता है, इसी के साथ में छूट वगैरह भी कुछ भी नहीं मिलती है। और 1 साल या फिर 1 साल के बाद पैसे को निकालते हैं तो वो आ जाता है लॉन्ग टर्म में। अब लॉन्ग टर्म में अगर आप उस पैसे को निकालते हैं तो आपको 1 लाख पर छूट मिल जाएगी, और इसी के साथ में बाकी आपको 10% के हिसाब से टैक्स पे करना पड़ेगा सरकार के लिए। जैसे कि मैंने यहाँ पर SBI कंट्रोल रेगुलर प्लान ग्रोथ जो कि म्यूचुअल फंड है, इसमें मैंने 3,50,000 रुपये का यहाँ पर निवेश किया था, और 1 साल के बाद जो कि मेरी अमाउंट यहाँ पर दिखा रहा था 5 लाख कुछ दिखा रहा था, ठीक है। तो यहाँ पर अब मैंने यहाँ पर जब पैसे को निवेश किया, ठीक है, इसके अंदर 3,50,000 रुपये तो 3,500 रुपये थे वो म्यूचुअल फंड मैनेजर ने यहाँ पर ले लिए थे। यानी कि अब आप समझ सकते हैं कितना यहाँ पर पैसा बचा मेरा। 3,50,000 में से 3,500 कम कर दो तो आप समझ सकते हैं कितना बचा। उसके बाद में धीरे धीरे कभी कम हो गया तो कभी बढ़ गया, कभी कम हो गया तो कभी बढ़ गया। कहने का मतलब है 2 रुपये कम हुए तो 4 रुपये बढ़ गए, इस तरीके से इसमें बढ़ता चला गया, ठीक है। और 1 साल के बाद 5 लाख कुछ अमाउंट यहाँ पर दिखा रहा है, ठीक है, जो कि आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट भी देख पा रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये म्यूचुअल फंड कुछ काम करता है। अगर आप म्यूचुअल फंड में पैसे को निवेश कर रहे हैं तो आपको ये भी सावधानी बरतनी है कि आखिर आप किस तरीके के म्यूचुअल फंड में पैसे को निवेश कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि म्यूचुअल फंड की बहुत सारी कैटेगरी हैं और आपको ये चीज़ को ध्यान रखना चाहिए आखिर आपका जो म्यूचुअल फंड है वो किस तरीके का है, तभी आप म्यूचुअल फंड में पैसों को निवेश करें, वरना आप अपना पूरा पैसा डुबा भी सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी बातें आपको सब कुछ समझ में आ गई होंगी। फिर भी आपके मन में कोई भी सवाल है या कोई भी कन्फ्यूजन है तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं, उसका रिप्लाई आपको बहुत जल्द से जल्द मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में।